हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस बीए पार्ट वन. ओके, टुडे आवर टॉपिक इज यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम्स. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक. समाजशास्त्र के उपयोग, व्यवहारिक समाजशास्त्र एवं सामाजिक समस्याएं. ओके स्टूडेंट, 19वीं शताब्दी के अनेक समाजशास्त्रीय विचारकों का यह मानना था कि समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में विकसित किया जाए जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था सिद्धांतों का निर्माण करके उनकी सहायता से सामाजिक जीवन को अधिक प्रगतिशील बनाया जा सके. ओके, अकॉर्डिंग टू सेंट साइमन तथा कॉम्ट स्वयं इस पक्ष में थे कि समाजशास्त्र एक ऐसा प्रत्यक्षवादी विज्ञान हो जिसमें सामाजिक नीति से संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए सामाजिक व्यवहार से संबंधित नियमों की विवेचना की जा सके. यह सच है कि दुर्खिम ने उस समय कॉम्ट के अधिकांश विचारों को स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने सामाजिक तथ्यों की विवेचना के लिए नैतिक आधार को भी महत्व दिया. अप्रत्यक्ष रूप से दुर्खिम भी समाजशास्त्र को एक व्यवहारिक सामाजिक विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहते थे. वास्तविकता यह है कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र जैसे विशुद्ध विज्ञानों में भी सिद्धांत को विकसित करने के साथ ही भौतिक पदार्थों को नियंत्रित करने और उनमें परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है. इसका तात्पर्य है कि प्राकृतिक विज्ञान भी कुछ सीमा तक व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं. सच तो यह है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान जहां एक और एक विशेष दृष्टिकोण को लेकर विभिन्न सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है, वही उसका उद्देश्य सामाजिक जीवन को अधिक प्रगतिशील बनाना भी होता है. व्यवहारिक रूप से विज्ञान की उपयोगिता उसके व्यवहारिक उपयोग में होती है. यदि समाजशास्त्र केवल सामाजिक घटनाओं से संबंधित नियमों की खोज करने और सिद्धांतों का निर्माण करने तक ही सीमित रह जाए तो इसकी उपयोगिता बहुत कम रह जाएगी. यही कारण है कि धीरे धीरे समाजशास्त्री यह महसूस करने लगे हैं कि सामाजिक संरचना से संबंधित आधारभूत समस्याओं की प्रकृति को समझकर उनका समाधान करने, परिस्थिति की तथा पर्यावरण के संबंध को जानकर प्रदूषण को रोकने में सहायता देने तथा पर्यावरण पर औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभावों की विवेचना करके समाजशास्त्रीय ज्ञान विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है. ओके, आज समाजशास्त्र में एक नई शाखा का भी विकास हुआ जिसे हम वर्णनात्मक समाजशास्त्र, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी कहते हैं. ओके, यह समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसके द्वारा सामाजिक नीति से संबंधित ऐसी उपयोगी और विश्वसनीय सूचनाएं दी जाती हैं जिनके राजनीतिज्ञों, प्रशासकों और समाज सुधारकों को आवश्यकता होती है. अकॉर्डिंग टू बार्टोमोन राइट हियर अबाउट द यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी, अबाउट सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम्स. 19वीं शताब्दी तथा इसके बाद इंग्लैंड में गरीबी और अनेक दूसरी समस्याओं से संबंधित समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण करके जो सूचनाएं दी गईं उनकी सहायता से सरकार की सामाजिक नीति में एक व्यापक परिवर्तन हुआ. इसी नई नीति के प्रभाव से ही इंग्लैंड में गरीबी की समस्या का बड़ी सीमा तक
समाधान करना संभव हो सका। ओके, चार्ल्स बूथ तथा राउंडट्री ने 19वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक समाज और गरीबी के बीच पाए जाने वाले जिन संबंधों का स्पष्टीकरण दिया है, उनसे श्रम कल्याण के क्षेत्र में एक नई जागरूकता पैदा हुई। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों की सहायता से जब तक जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारकों को ना समझ लिया जाए, तब तक जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी रोक नहीं लगाई जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यवहारिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं प्रकृति। संक्षेप में कहा जा सकता है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान का वह पक्ष जो मानवीय संबंधों के व्याधिकीय पहलू का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करके इसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न करता है, व्यवहारिक समाजशास्त्र है। इस दृष्टिकोण के व्यवहारिक समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज को अधिक संगठित बनाना तथा मानवीय कल्याण में वृद्धि करना है। प्रोफेसर जेरोम डेविस का कथन है कि हम समाज को पहले से अच्छा बनाना चाहते हैं। समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते हैं। ओके, इसके बाद भी हमें ये ध्यान रखना है कि समाज में जब तक व्यक्ति सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य संबंधों में कमी अनुभव करते हैं, समाज का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता बनी रहती है। ओके, उस समाज का सही ढंग से पुनर्निर्माण करना व्यवहारिक समाजशास्त्र का ही कार्य है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि व्यवहारिक समाजशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का सामाजिक जीवन में व्यवहारिक उपयोग करके समाज का पुनर्निर्माण करने में रुचि लेता है। अकॉर्डिंग टू जेम्स फोर्ड के अनुसार, जेम्स फोर्ड ने व्यवहारिक समाजशास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि व्यवहारिक समाजशास्त्र को व्यवहारिक सामाजिक आचार शास्त्र तथा सामाजिक नीति सोशल पॉलिसी कहा जाता है। ओके, नैतिक उद्देश्य को प्राप्त करने वाली सामाजिक पद्धतियों का अध्ययन करने तथा व्यवहारिक सामाजिक आचार शास्त्र का कार्य है तथा समाजशास्त्रीय संदर्भ में इसी ज्ञान को एक व्यवहारिक समाजशास्त्र कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है गिलिन तथा गिलिन ने व्यवहारिक समाजशास्त्र की प्रकृति और आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए बताया है कि आरंभिक समाजशास्त्रियों ने मानवीय संबंधों के व्याधिकीय पक्ष के अध्ययन की पूर्णतया अवहेलना कर दी थी। आज भी कुछ समाजशास्त्री यह समझते हैं कि इस पक्ष का अध्ययन करना सैद्धांतिक समाजशास्त्र का कार्य नहीं है। उनकी मान्यता है कि यह कार्य समाज सुधारकों का है। व्यवहारिक समाजशास्त्र समाजशास्त्रीय ज्ञान की वह विशेष शाखा है जो परिवर्तनशील सामाजिक विशेषताओं, उनसे उत्पन्न व्याध के संबंधों तथा उनके पुनः अभियोजन की पद्धतियों का अध्ययन करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ एप्लाइड सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति। ओके, नंबर वन, व्यवहारिक समाजशास्त्र विशुद्ध समाजशास्त्र से इस अर्थ में भिन्न है कि यह केवल सिद्धांतों के निर्माण में ही रुचि नहीं लेता, बल्कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में लागू भी करता है। ओके, नंबर टू है, व्यवहारिक समाजशास्त्र विशुद्ध समाजशास्त्र से ना तो पूर्णतया पृथक है और ना ही उस पर पूर्णतया निर्भर है। ओके, इसका तात्पर्य है कि व्यवहारिक समाजशास्त्र एक और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों तथा प्रविधियों की सहायता से सामाजिक जीवन को अधिक संगठित बनाने में
रुचि लेता है, जबकि दूसरी ओर इस तथ्य की भी जांच करता है कि विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांत व्यावहारिक जीवन में किस सीमा तक उपयुक्त हैं। इस दृष्टिकोण से व्यावहारिक समाजशास्त्र विशुद्ध समाजशास्त्र का पूरक और सहयोगी है। नेक्स्ट है, व्यावहारिक समाजशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समाज के व्याधकीय पक्ष को समझे बिना सामाजिक संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, व्यावहारिक समाजशास्त्र आदर्शवाद नहीं है। नीतिशास्त्र या दर्शन शास्त्र के समान यह किसी आदर्श स्थिति की कल्पना नहीं करता है। इसका कार्य समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक ऐसा वैज्ञानिक आधार ढूंढना है जिससे एक विशेष समस्या का समाधान किया जा सके। यह कार्य अवलोकन ऑब्जर्वेशन तथा अनुभव सिद्ध एम्पिरिकल ज्ञान के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट, विशुद्ध समाजशास्त्र केवल वर्तमान के अध्ययन से संबंधित है। इसके विपरीत व्यावहारिक समाजशास्त्र अतीत वर्तमान और भविष्य के बीच समन्वय करने का प्रयत्न करता है। ओके, यह उन कार्यक्रमों तथा नीतियों को प्रस्तुत करता है जिनकी सहायता से वर्तमान में असंतुलन का भविष्य में निराकरण किया जा सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा व्यावहारिक समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, स्कोप ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी। थैंक यू।